नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं आपकी कप्तान कैप्टन एनी दिव्या बोल रही हूँ। मैं आप सबका आज स्वागत करती हूँ हमारे सफ़र पे बीबीसी हिंदी के साथ। अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे ऐसे बादलों में उड़ना है पंछियों की तरह, क्लाउड्स को फील करना है, उनके अंदर बाहर फ्लाई करना है, देखना है कि वहाँ पे होता क्या है, उनके बियॉन्ड क्या है आसमान में। मेरी मम्मी ने बोला, अगर तुम पायलट बनोगी तो तुम वहाँ पे उड़ सकती हो। तो वो मेरे जहन में तब से रह गया कि पायलट बनूंगी तो मैं वहाँ पे उड़ सकती हूँ। और आज के तारीख में मैं अभी वहाँ पे काफ़ी देर उड़ती रहती हूँ और वापस आती हूँ। 17 में मैंने फ्लाइंग करना स्टार्ट किया और उस टाइम पे ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी स्ट्रेस होता है, लड़की को भेज रहे हैं, बहुत अननोन फील्ड है कैसे करेगी, और ऊपर से सोशली तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्रेशर्स, इतना सारा पैसा लड़की पे डाल रहे हो। वो सब इग्नोर करके मेरे पेरेंट्स ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया और डिसीजन लिया। उन्होंने मेरे डैड ने बोला, तुम एग्ज़ाम क्लियर करो फिर हम देखते। तो फॉर मी वो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था लाइफ में, क्योंकि वो एक चांस, सबको एक चांस मिलता है, तो दैट वाज वन चांस फॉर मी, मुझे वो एग्ज़ाम क्लियर करना था और लकीली मैं वो कर पाई। जब मैं पहले टाइम एयरक्राफ्ट में गई, उससे पहले मैं कभी उड़ी नहीं हूँ, मैं जब सीखने के लिए गई, दैट्स द फर्स्ट टाइम मैं एयरक्राफ्ट के अंदर एक्चुअली गई हूँ और खुद ही बैठी हूँ उड़ने के लिए, और बिल्कुल डर नहीं लगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी फर्स्ट फ्लाइट मुझे आज भी याद है। जब मैं फ्लाइंग करके आई, मुझे लग रहा पूरा दिन मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी आसमान में उड़ रही हूँ, क्योंकि मैं उस दिन के लिए आई थिंक बचपन से वेट कर रही थी कि मैं वो क्लाउड्स में जाऊँ, देखूँ कैसा होता है। और रात को भी पूरा नींद में भी मैं उड़ी रही थी। मैंने 17 के एज में मैंने फ्लाइंग स्टार्ट किया, उसके बाद 19 में मैंने एयर इंडिया में जॉब ज्वाइन किया है। 21 एज में मैंने 777 फ्लाइट उड़ाना शुरू किया है, जो कि दुनिया में दो इंजन वाला सबसे लंबा विमान है। जो मेरे इंजन्स हैं वो वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल इंजन्स हैं, काफ़ी बड़ा प्लेन है और अबाउट 360 पैसेंजर्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। और जो हम फ्लाइट्स करते हैं वो भी काफ़ी लंबी होती है। मैं अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स करती हूँ, जिसका मतलब है मैं 16 घंटे के फ्लाइट एक टाइम पे करती हूँ, बॉम्बे दिल्ली से US डायरेक्ट फ्लाइट्स करती हूँ। काफ़ी बार लोग देखते हैं न्यूयॉर्क फ़्लाइट जा रही है, शिकागो फ़्लाइट जा रही है, वो लोग वेट कर रहे होते हैं, पायलट आ रहे हैं, और कभी देखते हैं कि मैं कमांडर हूँ, थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं और गिनने लगते हैं कि स्ट्राइप, यूजुअली फर्स्ट ऑफिसर के 3 स्ट्राइप और कमांडर के 4 स्ट्राइप होते हैं, तो लोग थोड़ा मतलब शक के नज़र से देखते हैं, ये 4 है 3 है 4 है 3 है, थोड़ा ध्यान से गिनने लगते हैं, कभी कभी पास में अभी आके गिनते हैं, पूछते हैं आप कमांडर है इस फ्लाइट के। मैक्सिमम 99% टाइम्स बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं एक लड़की को कमांड में फ्लाई करते हुए देखते हुए। जब पैसेंजर्स को पीछे कभी पता चलता है, वो लोग नोट भी भेजते हैं कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उनके कैप्टन एक महिला है और इतने यंग कमांडर हैं और वो फ्लाइट कर रहे हैं।